जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कॉमर्ड सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। भाई थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कार। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, आज मैं देख रहा था रॉयटर्स की एक खबर थी, और के इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो टाइज है ना, वो आज के दौर में रेलिवेंट नहीं है। और दूसरी उन्होंने बात की कि इंडिया और चाइना जो है ना, वो ग्लोबल पावर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। सो ये जो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने बात की है कि पाकिस्तान इज नॉट रेलिवेंट टूडे, मैं भी वैसे ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर से ये मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान शायद इररेलीवेंट हो चुका है इंडिया के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं कि पाकिस्तान आज के दौर में इंडिया के लिए रेलेवेंट है? मैंने वो बयान पढ़ा उनका, उस बयान में अगर आप उसको जरा गौर से पढ़ें, ही इज नॉट सेइंग कि पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर नॉट रेलेवेंट। मतलब ये जो रिश्ता है, जैसा कि मिसाल के तौर पे एंटनी ब्लिंकन ने भी और कई अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा कि इंडिया यूएस रिलेशंस आर द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशंस ऑफ द 21st सेंचुरी, राइट। उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट बात कह रहे हैं जयशंकर कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब इनके कोई माने ही नहीं है, कोई रिलेवेंसी नहीं। लेकिन पाकिस्तान इररेलेवेंट है तो कैसा कहेंगे? अगर इंडिया की डॉक्ट्रिन ले ले, डिफेंस डॉक्ट्रिन, तो ये जो दो टू फ्रंट की जो बात करते हैं, एक फ्रंट पाकिस्तान है। अब भी जो बात हो रही है कि कश्मीर से फौजें विदड्रॉ करेंगे, वो सिर्फ इंटीरियर कश्मीर से विदड्रॉ हो रहे हैं, LOC से नहीं होंगे, राइट। तो ऑन अ डेली बेसिस दे आर थिंकिंग अबाउट सिक्योरिटी, दे आर थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का वजूद इज रेलेवेंट टू इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी। जब इंडिया फॉरेन पॉलिसी पे जाता है तो जयशंकर साहब, डोंट यू थिंक कि वो कॉन्स्टेंटली ये मसला उठाते होंगे कि भाई पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कुछ करें? जब शुल्स से बात होगी तो प्राइवेटली दिस इशू ऑल्सो माइट कम अप, राइट। आपको पता है कश्मीर का मसला उठा लिया था जर्मन फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर ने, तो वो तो याद होगा अभी, दे हैवंट फॉरगॉटन दैट फुल्ली। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट ही मींस। उन्होंने, उनका कहने का मतलब था मेरे ख्याल से कि दिस इज नॉट द टाइम टू ट्राई एंड इम्प्रूव इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ये जो सवाल उठाए ना, विल इंडिया हेल्प पाकिस्तान इन इट्स मोमेंट ऑफ क्राइसिस, इंडिया ने कुछ $3.5 बिलियन का क्रेडिट एक्सटेंड किया है टू श्रीलंका, 550 मिलियन का करोड़ का एड उन्होंने एडवांस किया है बांग्लादेश के लिए, भूटान के लिए, नेपाल के लिए इस साल के बजट में। देयर इज नथिंग फॉर पाकिस्तान इन इट। सो ये कहना, ही इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू से कि दिस इज नॉट द टाइम वेयर वी विल लुक टू हेल्प, क्योंकि ये उस कॉन्टेक्स्ट में उठा था कि विल इंडिया प्रोवाइड सम असिस्टेंस टू पाकिस्तान। दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद है, शायद 2011 में पाकिस्तान को हेल्प करने की कोशिश की थी इंडिया ने, जब फ्लड्स आए थे, पहले 5 मिलियन दिए, उसके बाद 20 मिलियन भी, वो सारे यूएन के थ्रू, यूएन और वर्ल्ड बैंक के थ्रू राउट करने की कोशिश की थी। बिकॉज आपके लीडर्स फिर अजीब से बयान देते, वी डोंट वॉन्ट India's help, and even if India offers help, we will not take, इस तरह के बयान तो आते ही रहते हैं ना। So for India, it is a bit awkward. जैसा कि टर्की की जो हेल्प की है, टर्की के पास ऐसे कोई नेगेटिव बयान नहीं है, आई मीन इंडिया रीच देयर। सो आई हैव अ फीलिंग के ही इज बींग केयरफुल नॉट टू पुट हिमसेल्फ इन अ पोजिशन वेयर ही कुड बी इंसल्टेड बाई इंडिया। अमल मदद करने जाए आप पाकिस्तान की, फिर उनके तरफ से कुछ अजीब इंसल्ट चीज क्यों लेकर आए, फिर बिकम डोमेस्टिक इशू, फिर डोमेस्टिक ओपोनेंट्स उनकी वो लेकर उनके खिलाफ बातें करेंगे ना। सो दैट इज आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट इन विच ही इज टॉकिंग। लेकिन अगर आप उनको फेस वैल्यू पे ले लें तो इट इज वेरी क्लियर, इंडिया पाकिस्तान का कुछ ट्रेड नहीं चल रहा अभी, हार्डली एनी ट्रेड एनी थिंग। तो
फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पाकिस्तान इज इरेलेवेंट, और पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो गया है और उसके सारा एक्शन पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर है। कभी आपने कभी सोचा था कि आपका वेस्टर्न फ्रंट इज गोइंग टू बी हॉटर देन योर ईस्टर्न फ्रंट? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया को लग रहा है कि पाकिस्तान इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी प्री ऑक्यूपाइड ऑन द ड्यूरेंड लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उस तरह से भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट वेरी रेलिवेंट टूडे। इट्स लाइक सेइंग कि भाई व्हाट आर यू डूइंग अबाउट, मतलब कोई दूसरे छोटे से मुल्क को ले ले, जिम्बाब्वे से उनके साथ, इज इट रेलेवेंट क्रिकेट के हद तक, बस उसके अलावा नहीं। तो डॉक्टर साहब ये जो बात है कि ये फिर इसको तो बड़े एंगल से हर देखा जा सकता है, लेकिन इंडिया कहता है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना, बायलैटरल कहता है ज़रूरत नहीं है, दहशतगर्दी वो कहते हैं जी स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तानी लोगों से बात करें वो कहते हैं ये इंडिया की इतनी पुरानी रेटरिक है, इसको दुनिया में सीरियस नहीं लेता, ना अमेरिकन हमारे साथ बायलैटरल्स में ये चीज़ लेके आते हैं, ना ब्रिटिश लेके आते हैं, उनको पता है बस ये इल्ज़ाम की हद तक चीज़ें हैं। सो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो स्टैंड स्टिल हो गई हैं, डेड लॉक है, और ये क्या ये तभी ख़त्म हो सकता है जब पाकिस्तान की जो पोजीशन बदलेगी, पाकिस्तान जियो इकोनॉमिकली रेलिवेंट होगा तब ये चीज़ें, ये जो सिचुएशन है बदलेगी, या कि इसके अलावा कोई आप समझते हैं कोई ऐसा इंडिकेटर या फैक्टर है जो कि इंडिया को मूव कर सकता? देखिए आई डिसएग्री के देर इज नॉट एन इश्यू। आप अभी तो निकले आप FATF से, राइट? तो अगर अक्टूबर में तो इंडिया का प्रेशर तो था ही ना, सो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया की जो लॉबिंग हो रही है इट डज नॉट हैव, आई थिंक इट डज हैव अ मेजर इफेक्ट, आपको इट डज मार्जिनलाइज। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि IMF इज ड्रैगिंग इज फीट बिकॉज ऑफ इंडिया, हो सकता है कि इंडिया इज ऑल्सो पुशिंग प्रेशर। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे मैं इसको कन्फर्म कर सकता हूँ, बट आई कैन जस्ट से दैट पीपल इन वॉशिंगटन आर सेइंग दैट इट इज़ पॉसिबल कि India is putting pressure on IMF to go slow on Pakistan ke issues, but I don't know. But देखिए आप कि एक तो ये है कि अगर पाकिस्तान की economic situation, जो मुझे नहीं लगता कि आइंदा दो तीन साल में immediately अच्छी होगी, अगर आपके पास सोना भी निकल जाता है उसको खोद के निकालने में दो तीन साल लग जाएंगे, so एक दो साल तक 2024 तक तो आप you're not going to fully recover. Abhi to your things are going to get even more worse in 2023. Agar theek bhi ho jate 2023 mein, by the time you recover 2024, agar aap growth uske baad 10-12% se agar Pakistan ki economy grow hoti hai 10 saal tak, then you will start becoming relevant na. To abhi aapki jo GDP hai kuch $350 billion ki hai, pata hai aap kabhi drive karke gaye New York ko? तो आप फिलाडेल्फिया से जाते हैं ना शहर? जी 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 जी, आपका शहर आपकी स्टेट क्रॉस करके आगे जाते हैं। जी हाँ, तो फिलाडेल्फिया की जो आबादी है वो 1.2 मिलियन है, और आपको पता है उसकी जीडीपी कितनी है? $450 billion। इट इज मोर देन एंटायर जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। तो आप समझ जाएं कि हाउ इकोनॉमिकली इररेलेवेंट है। सो आप उसको अगर आप लेट से कि 10 साल तक 10% से भी गुजरे या 15% से ग्रोथ करें, 15% भी ग्रोथ करें तो कुछ $40-50 billion हर साल ऐड करते जाएंगे आप, राइट? तो 10 साल के बाद जाके आप $600-700 billion के करीब पहुंचेंगे। एंड एज ए नेबर इट इज़ नॉट जस्ट दैट, अगर आपके पास कोई स्पेशल चीज़ हो जो इंडिया नीड्स ना, तो वहाँ पर ट्रेड बढ़ना शुरू होगा। ये और बात है कि इंडिया के बिजनेसमैन के वो देखेंगे भाई बाजू $700 billion की इकॉनमी है, राल टपकने लगेंगी कि देयर बाइंग परचेजिंग पावर उनका बढ़ गया है, दे कैन बाई थिंग्स, लेट्स गो सेल देम थिंग्स, राइट? सो वो चीज़ पैदा हो सकती है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन वेरी क्विकली। मतलब आप इंडिया का ग्रोथ 1991 से जाके आप देखें ना, 30 ईयर्स के बाद इंडिया इज सडनली बिकम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली। इंडिया की सस्टेन ग्रोथ 1991 से शुरू हुई ना, 1991 से, एक ज़माना था जब 9-10% से भी ग्रो करती थी,
इंडिया। और दूसरी चीज ये है कि आपने पता नहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरकास्ट देखा है, आइंदा 3-4 साल तो देयर इज गोइंग टू बी ए ग्लोबल स्लो डाउन, इन्फ्लेशन के वजह से, ये जंग के वजह से, कोविड का असर, अभी भी कई इकोनॉमीज कोविड से नहीं निकले हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप लेके देखें तो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी देयर इज ए ग्लोबल, उसका लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय स्लोबलाइजेशन। स्लोबलाइजेशन, हर चीज स्लो हो जाएगी। तो उस स्लोइंग डाउन ऑफ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में टू एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू शूट इकोनॉमिकली इज अनलाइकली, राइट? तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो जियो। हाँ, ये और बात है कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर रेलेवेंस बढ़ जाती है दोबारा तो दैट्स ए डिफरेंट इश्यू। सो ये फैक्टर है। तो आपको ये डॉक्टर साहब, ये जो बात सुनने में आ रही है कि जी पाकिस्तान की पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग इंडिया के हवाले से ये समझते हैं कि इंडिया पॉपुलेशन की वजह से एक बड़ी मार्केट है, तो आबादी जारी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ट्रेड है, बिजनेस है, आईटी है, बहुत सारी चीज़ें सप्लीमेंट करती हैं इंडिया को, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बहुत सारे फैक्टर हैं वहाँ पे, जारी बात है, दैट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर। तो ये जो पाकिस्तान जो है एज ए पॉपुलेशन के तौर पे भी, या एज ए पॉपुलेशन नंबर भी जो है, वो आपको लगता है कि जैसे कहा जा रहा है कि इसकी आबादी और बढ़ेगी, कहीं कहीं लोग कह रहे हैं जी 40 करोड़ तक जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इट्स गेटिंग अ बिग नंबर, सो इसको इंगेज करना आबादी को, ये डू यू थिंक कि इकोनॉमी इस तरह हो सकती है कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से? मैं जो फोरकास्ट देखा हूँ, मेरे ख्याल से 2050 या 2060 तक आप एट दिस रेट विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी आप अमेरिका को क्रॉस कर लेंगे। अमेरिका इज अबाउट 335, आप 225 के करीब है, राइट? या 250, बाज लोग 225 कहते हैं, बाज 250 कहते हैं, बट एनी वे, सो यू आर जस्ट 100 मिलियन बिहाइंड, और 25-30 साल में आप वो ओवरटेक कर लेंगे। यू विल बी द थर्ड, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, दिस विल बी द थ्री मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडोनेशिया वगैरह सबको आप पीछे छोड़ देंगे, बट दैट डजंट मेक एनीथिंग। अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2020 का ट्रेड फिगर्स देखें, 2022 के, तो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो 115 120 बिलियन डॉलर के करीब है। तकरीबन इंडिया हैज 100 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। यूएस चाइना का 700 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इंडिया का पॉपुलेशन तकरीबन 4-5 गुना, 4 गुना ज्यादा है यूएस के पॉपुलेशन से, नियरली 4। लेकिन यूएस इज ए मच बिगर मार्केट देन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स हाई पर कैपिटा। इंडिया के पास जो बंदे हैं, इंडिया की टोटल इकोनॉमी अभी कितनी है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, यूएस की 21 ट्रिलियन डॉलर है। सो आवर परचेजिंग पावर इज सो मच मोर, 7 गुना ज्यादा है। तो पाकिस्तान कैन बिकम ए वेरी पुअर कंट्री विथ 400 मिलियन पीपल। जरूरी नहीं है कि परचेजिंग पावर आपका बढ़ जाए, अनलेस हम छोटी मोटी चीजें बेचें। अब 400 लोग हैं, चले नाड़े बेचे, उनको पैजामे बेचे, नंगे थोड़ी फिरेंगे, दैट्स नॉट व्हाट, वेयर द मनी इज, राइट? अगर आपके 400-500 मिलियन की आबादी हो जाती है और हर बंदा एक लैपटॉप, एक आईफोन खरीद रहा है, देन तो मजा आएगा ना। आईफोन 14 अब इंडिया इंडिया से जा रहा है मैन्युफैक्चर, तो इफ दे स्टार्ट बाइंग दैट, तो परचेजिंग पावर की बात है। देर आर स्मॉलर कंट्रीज विद हायर परचेजिंग पावर, हायर कंजम्पशन देन पाकिस्तान। तो इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से ज्यादा था, बट इंडिया की इकोनॉमी अब बड़ी है। इंडिया नाउ हैज ए मिडिल क्लास। दुनिया में सिर्फ दो ऐसे मुल्क हैं विच कैन सस्टेन ग्रोथ, दो या तीन मुल्क हैं जो सस्टेन कर सकते हैं ग्रोथ थ्रू डोमेस्टिक कंजम्पशन, यूएस, इंडिया, चाइना। बाकी के सारे मुल्क डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट्स। चाइना भी बहुत एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उनके पास भी इतनी बड़ी मिडिल क्लास है, 700-800 मिलियन की मिडिल क्लास है, कि वो कंजम कल्चर है तो वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर और कंज्यूम। जो इंडिया की इकोनॉमी कोविड के बाद इसलिए ज्यादा रिकवर हुई बिकॉज इट्स लेस ग्लोबलाइज देन चाइना, तो डोमेस्टिकली कंजम्पशन के वजह से वो ये ग्रोथ आ रहा है।
समझे ना, इट इज स्टेबलाइज हो रहा है. तो आपके पास अगर 400-500 मिलियन अगर आपका पॉपुलेशन बन जाता है, बट दैट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग, वी आर लुकिंग एट 20-30 ईयर्स होराइजन ना. तो आप 20-30 साल के बाद अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ते रहता है और उनकी कंजम्पशन की हैबिट्स बढ़ जाती है, तो देर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दैट. फॉर एग्जाम्पल, आपका कंज्यूमर फाइनेंस इंडस्ट्री पता नहीं कितनी अच्छी है, यू नो, अगर आप इफ यू हैव ए गुड कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस, लोग है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लोग कैन बाय नाउ पे लेटर वाली बात ना, तो यू जनरेट डिमांड, यू जनरेट मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी देन टेक्स ऑफ ना. बट उसके लिए पैसा होना चाहिए ना बिजनेस मार्केट्स में, बैंक्स में. आप प्रिंट तो नहीं कर सकते, अगर आप प्रिंट करना शुरू करें तो इन्फ्लेशन हो जाएगा. सो दैट इज ए लिटल प्रॉब्लमेटिक. देखिए, जरा बेसिक फंडामेंटल चीजें होती हैं, वो फंडामेंटल्स जो है वो बहुत, आपकी गवर्नमेंट हैज अलाउड द फंडामेंटल्स टू बिकम वेरी बैड, ये ना. फंडामेंटल्स अगर आपके खराब हो गए हैं तो उसको फिक्स करने वक्त लगेगा और इट विल रिक्वायर वेरी सीरियस डिसीजंस. उसी इंटरव्यू में जयशंकर साहब ने भी वही कहा कि पाकिस्तान इज की जो हालत है वो उसी के डिसीजंस की वजह से है, एंड दे हैव टू मेक सीरियस डिसीजंस एंड टू फिक्स देम. वो देर आर नो इजी सॉल्यूशंस. ये जो समझ रहे ना कि अरे सऊदी अरेबिया अगर हमको 10 बिलियन दे दिया, चाइना अगर दे दिया, तो हम बच जाएंगे, वी विल कम आउट ऑफ दिस, नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. वी विल हैव द सेम प्रॉब्लम अगेन नेक्स्ट जनवरी. क्या करेंगे? और ये सारे लोन बढ़ते जाएंगे ना, ये फुकट का कोई नहीं देने वाला ऐसे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, से आगे जरा चले, कि आज भी जो है वो यूएन में पाकिस्तान ने इंडिया पे कह दिया जनाब के आप कश्मीरियों को हकूक दें, आप वहाँ पे जो है वो भारतीय फौज है और मुजालम हो रहे हैं, इस तरह की बातें पाकिस्तान ने की हैं. इंडिया ने यूएन में ये कह दिया है कि जी पाकिस्तान जो है वो हार्बर करता है, स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, एंड विद इम्प्यूनिटी एंड ऑल दैट. आप क्या समझते हैं, ये ब्लेम गेम चलती रहेगी, पाकिस्तान कश्मीर की बात करते रहेंगे, वो दहशतगर्दी की बात करेंगे, या आप समझते हैं कि ये क्या इसका पाकिस्तान को कितना को डेंट हो सकता है और इंडिया को कितना को डेंट हो सकता है, डेंट पड़ सकता है, या क्या आप समझते हैं कि डेंट नहीं पड़ेगा, कि ऐसे ही बस ये चीजें जो है वो अनफोल्ड होती रहेंगी, बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, दुनिया को लगता रहेगा यार ये अपने इनके बायलैटरल हैं, छोड़ो इनको, और इंडिया वैसे ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान अपने मसाइल में घिरा हुआ है. सो ये जो दोनों एक दूसरे को लगे हैं, हाउ डू यू सी, ये बस इसी तरह चलता रहेगा या आपको लगता है कोई तब्दीली आ सकती है किसी जगह पे? ठीक है, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड आई डोंट थिंक अदर डिप्लोमेट्स आर आल्सो टेकिंग इट सीरियसली. इंडिया बहुत भोला है इन मामलात में. आप बेसबॉल लव समझते हैं? बेसबॉल अभी जिस तरह से इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है ना, 500-500 रन वो एक दिन में बना रहे हैं. इंडिया नीड्स टू बैट लाइक दैट, कि अभी जो इंडिया गल्फ में जो दोस्ती बढ़ा रहा है ना, इंडिया शुड नॉट ओनली डू दैट, बट इंडिया कुड गेट वेरी अग्रेसिव एंड टेल दीज कंट्रीज के यस यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ग्रेट, बट वी वॉन्ट यू टू डाइवेस्ट इन पाकिस्तान. सोचे आप, अगर आइंदा इंडिया की क्लाउड, अगर इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ने लगी, तो वो कंडीशन भी लगा सकते हैं ना दूसरे मुल्कों जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं. US को कहेंगे भाई यू वॉन्ट अस टू बी इन कॉर्ड, बट वी वॉन्ट यू टू कम्प्लीटली ग्राउंड द F-16, कब तक आप इनको सर्विस करते रहेंगे, कट इट आउट. सो इंडिया इफ इट गेट्स इन टू दैट पोजिशन टू से दोज थिंग्स, मैं तो समझता हूँ कि इंडिया इज राइट नाउ इन द पोजिशन टू डिक्टेट दोज थिंग्स टू मेनी पीपल इन द ग्लोबल साउथ, कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए, आप वी वॉन्ट अस टू बी योर वॉइस, वी वॉन्ट यू टू शट अप अदर वॉइस फ्रॉम पाकिस्तान. वो स्टेज आएगा जरूर. और अगर इंडिया के सोचने वालों को ये ख्याल नहीं आया, तो अब तो आ जाएगा ये शो आपका देखकर कि अरे हम ऐसा भी कर सकते हैं. लेकिन मेरा नहीं ख्याल डॉक्टर साहब इतना आसान है, मतलब पाकिस्तान की, ठीक है पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस तो हैं. इंडिया ने पूरे यूरोप और अमेरिका को ये कहा है कि आपने पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देना, एक बात, लेकिन पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है लेने की, ये एक अदर प्रॉब्लम है. द अदर क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं उसमें तो
पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, मुस्लिम है, रिलेशन है, फिर आबादी बहुत सारी पाकिस्तान की वहां पे है। आपको लगता है कि ये बचकाना सी बात नहीं होगी जो आपने की है वैसे? नहीं, आई एम सेइंग कि इफ इंडियाज इकोनॉमिक क्लाउड बिगिंस टू इंक्रीज दे कैन डू दैट। आप देख रहे हैं अमेरिका ने कितना मिडल ईस्ट को फलस्तीन के मसले से अलग करके इजराइल के साथ इब्राहिमिक अकॉर्ड्स करवा दिए ना, राइट? सो दैट इज इंडिया ने भी मुस्लिम वर्ल्ड को कश्मीर से लिया था। हाँ, दे हैव ऑलरेडी सेपरेटेड यू फ्रॉम द मिडल ईस्ट ना। लेकिन वो जो सेपरेशन जो इंडिया ने किया है, इंडिया ने उनको थ्रू कैरेट्स किया है उनको, वही दे आर सेइंग कि हमसे बिजनेस करो, वी हैव टैलेंट, वी हैव एक्सपर्टीज, वी हैव टेक्नोलॉजी, हम ये सब देंगे, प्लस नाउ वी हैव अ मार्केट जिसमें आप इन्वेस्ट करें, राइट? अब देखें आप, फॉर एग्जांपल, अगर सऊदी अरेबिया $500 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर देता है, तो उसके बाद इंडिया के पास कितना लेवरेज आ जाता है, सोचिए आप। द लेवरेज विल बी सो ह्यूज ना, एंड दे कैन स्टार्ट पुशिंग सम कंट्रीज एंड से कि भाई आप, एंड आई हैव अ फीलिंग कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो आपको January 9 की जो जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे एक भी दमड़ी का पैसा नहीं दिया। फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ UAE गए, देन ही ऑफर्ड टू के हमने, वी हैव लर्न द लेसन, इस तरह की बातें की ना, एंड इन्वाइटेड UAE टू मीडिएट। मुझे लगता है कि वो सारे के सारे चीजें आर प्रेशर फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज ऑन पाकिस्तान की, ये गंद खत्म करो, इम्प्रूव योर रिलेशंस विद इंडिया, वी हैव अदर बिजनेस टू डू, बिकॉज ये इट माइट बी ए सोर्स ऑफ इरिटेशन टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। अभी तक तो समझ में आ जाना चाहिए थी कि जो मुस्लिम दुनिया है, इट डजेंट केयर अबाउट मुस्लिम्स, पाकिस्तान डजेंट केयर अबाउट उइगर्स, पाकिस्तान ने फलस्तीनियों के लिए क्या किया, राइट? आपने तुर्कियों के लिए तुर्कियों का ही माल वापस रीपैक करके वापस भेजा। नहीं, वो बट फेक न्यूज़ है वैसे, वो दैट्स नॉट द ट्रू, दैट्स आई नॉट थिंक आई कुड हैव एक्सपेक्टेड अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स टू गो एंड डू लॉट ना के गए हैं। आपको पता है जमाते इस्लामी, देन जफर फाउंडेशन लाहौर से, JDC, बहुत सारे वॉलंटियर्स गए हैं डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा। मतलब दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं क्योंकि इन लोगों को जानता हूँ, जमाते इस्लामी, जफर फाउंडेशन, देन ईदी फाउंडेशन, ये तीन तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनके प्राइवेट है, ये जो है ये गए हैं, बिल्कुल गए हैं। गुड, सो दोज आर द वेज टू डील विद दिस, बट आई हैव अ फीलिंग के वो प्रेशर इन द फ्यूचर, अगर सी डिपेंड्स ऑन गैप कितना बढ़ रहा है ना, अगर इकोनॉमिक क्लाउड में गैप बढ़ेगा तो इंडिया विल यूज दैट प्रेशर इकोनॉमिक एंड टेल अदर कंट्रीज टू कट ऑफ। ऑलरेडी आई थिंक दे आर सेइंग के जिनसे भी बात होती है उनसे जरूर कहते होंगे कि पाकिस्तान को कहें कि टेररिज्म खत्म करें, यू नो। और हर मुल्क आपको पता है, सो फॉर एग्जाम्पल, आपने वो ANI के साथ इंटरव्यू देखा डॉक्टर जयशंकर का? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, कुछ चंक्स मैंने क्लिप्स देखे थे। हाँ जी, हाँ तो उस इंटरव्यू में, इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज इंटरव्यू, मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उस तरह में भी चले गए वो, विच ही शुड हैव स्टेड आउट ऑफ इट। फिर वो पर्सनल बातें भी बताने लग गए, बट उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी को उन्होंने एक दो सेंटेंस में कह दिया, इसे इंडिया की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इज द नेबरहुड, इट वांट्स टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इट नेबर्स, देन इट हैज द एक्सटेंडेड नेबरहुड, सेंट्रल एशिया को उन्होंने रेफर किया, गल्फ को रेफर किया, ईस्ट एशिया, एंड देन उसके बाद दे वांट टू हैव द थर्ड लेवल, उन्होंने कहा गुड रिलेशंस विद मेजर पावर्स। तो उसने कहा वी हैव गुड रिलेशंस विद रशिया एंड अमेरिका एंड यूरोप एंड, बट सिर्फ चाइना के साथ हमारे थोड़े बहुत टेंशन चल रहे हैं। एंड देन द फोर्थ लेवल ही सेज दैट वी वांट टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ विद द फोकस ऑन अफ्रीका, यानी लैटिन अमेरिका में उतने इन्वेस्टमेंट्स अभी इंडिया करने के लिए थे। सो यू कुड सी दिस फोर लेवल्स ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट एंड एफर्ट्स, लेकिन पहले लेवल में ही पाकिस्तान आ जाता है, नेबरहुड। फिर अगर आप उसको थर्ड फोर्थ लेवल पे जाएं, ग्लोबल साउथ, उसमें भी पाकिस्तान आता है। सो हाउ, सो व्हाट इज इंडिया सेइंग कि वी वांट टू बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ माइनस पाकिस्तान, वी वांट टू मेक इंप्रूव आवर रिलेशंस इन आवर नेबरहुड बट नॉट विद पाकिस्तान, मतलब उतना बड़ा होल क्या था फील कर लगे, हैव गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये बीच में वैक्यूम। तो सो बट द थिंग इज के पाकिस्तान भी
कोई रैशनल पॉलिसी परस्यू भी तो नहीं कर रहा ना आप, मतलब कोई सेंस की बात ही नहीं, ना लिबरल है ना रियलिस्ट है, कुछ भी नहीं है. लाइक दे सीम टू बी लाइक वी हैव ओनली वन पर्पज इन लाइफ विच इज टू हेट इंडिया एंड गेट कश्मीर, इसके अलावा और कोई समझ में नहीं आती मुझे बात. हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है डॉक्टर साहब, उस स्ट्रैटेजी को हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं डंग डबो स्ट्रैटेजी. डंग मीन्स वी कॉल इट डे, मतलब अच्छा डे दिन, हाउ टू स्पेंड अ डे. अब अच्छा जैसे वो मैं जब हम पढ़ते थे, हमारे एक प्रोफेसर साहब होते थे, आए थे, पता नहीं आप जानते होंगे नहीं, डॉक्टर ताहिर अमीन साहब, ये अच्छा गुड प्रोफेसर, अच्छे से आईआर वगैरह में पढ़ाते थे. तो वो कहते थे कि हमारे जो साउथ एशिया के ममालिक हैं ना, हमारा प्रॉब्लम की वो गुर्बत है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं. तो उसने कहा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, दैट इज 2 स्क्वायर मील. सो वी जस्ट डू नॉट थिंक बियॉन्ड 24 आवर्स. जैसे ही फिर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमें समझ आती है, लेकिन वही हमारा प्रॉब्लम क्या है कि दिन कैसे गुजारना है. सो जब उठती है हुकूमत, आज का दिन क्या करना है जी. सो इट्स नॉट के वो जो होते हैं ना टारगेट होते हैं जी, कि यहाँ पे हम देखते हैं जी अमेरिका में क्वार्टरली है, ये क्वार्टर ये जा रहा है वो, जैसे एक होता है पूरी दुनिया में होता है. सो हमारा स्ट्रेटजी है डंग डबाओ. सो गवर्नमेंट जो आपने सही कहा कि मजहबी कुछ तौर पर प्रोग्रेसिव नहीं, यहाँ पे पोलिटिकली सो दैट इज सो मच पोलराइज है. मैं अपने कोई आज भी एक मैं पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर से मिला हूँ यहाँ अमेरिका में, एंड ट्रस्ट मी, मैंने एक ही सवाल रेज किया है. मैंने कहा मुझे ये बताएं, इंडिया से लड़ाई है, ईरान से सैंक्शंस लगी हैं, अफगानिस्तान बंद है, चीन के साथ हम कंपैटिबल नहीं करते, नीचे समंदर है, तो ये समंदर के रास्ते इंडो पैसिफिक में क्यों ना चले जाएं. आए इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, वहाँ बड़ी सी दुनिया, जापान, साउथ कोरिया, बड़ी मार्केट है सारी दुनिया वहाँ. तो वो बस यही कह रहे हैं, हाँ हम वो आसियान में गए थे तो हम ये किया. सो द क्वेश्चन इज के जो मैं आपकी बात की कर रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा चीज़ों को. और सर मैं एक बात बताऊं, मैं खुद ही, वो मेरी बात लंबी हो गई, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका हमें अकोमोडेट करता है हमारे बिजनेसमैन को, एशिया पैसिफिक की इकोनॉमीज हमें जो है ना वो अकोमोडेट नहीं करेंगी. यूरोप तो GSP प्लस स्टेटस दे देता है, अमेरिकन ने भी दे दिया. आज बल्कि मुझे पता चला है कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक डायलॉग है कोई इकोनॉमी पे के हवाले से, वो आज कोई नया शुरू हुआ है, आई फॉरगॉट इट्स क्या वो किस तरह का है, उसे क्या बोलते हैं. वो इकोनॉमीज हमें वो फेवर नहीं देते जो यूरोपियंस देते हैं, जो अमेरिकन देते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारे साथ पोलिटिकल डिपेंडेंस इस तरह की है, ताल्लुकात उन ममालिक के इस तरह के हैं कि वो अब सिंगापुर हमें क्यों देगा वो लेवरेज कि ठीक है तुम अपनी चीज़ें यहाँ भेज लो. सो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ये मसला है. डॉक्टर साहब आप इसमें, ये एक आखिरी सवाल इस पे करता हूँ, आपको नहीं लगता कि सारी दुनिया जो है वो एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक में पहुँच गई है, दैट इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान लेफ्ट? सेंट्रल एशिया हम पहुँच नहीं सकते, बड़ी इकोनॉमीज हैं वहाँ, काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, इंगेज कर रही है दुनिया, 700 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है हमारे पास, पाकिस्तान ने एक इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कराई हुई है, तो दैट्स अ गुड वे टू गो इन टू द रीजन. इसी बहाने बांग्लादेश से भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. पिछले दिनों हिना रबानी खा रहा, हमें उस रीजन को तरफ देखने की जरूरत है. डू यू थिंक दैट थिंकिंग टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक कुड हेल्प पाकिस्तान, चीज़ें जिंदगी बेहतर हो सके? देखिए जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, जो अमेरिका का जो पिवट टू एशिया हुआ था, तो उसमें ज़्यादा डिबेट्स में इन्वॉल्व ही नहीं था पाकिस्तान, राइट? तो पिवट टू एशिया होने का मकसद ही ये था कि द सेंटर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एक्शन हैज मूव्ड फ्रॉम यूरोप टू एशिया. अगर आप अब देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमीज में, जो टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, उसमें 3 एशियन हैं, चाइना, जापान और इंडिया. अगर आप टॉप 10 ले लें तो उसमें साउथ कोरिया भी आ जाता है, इंडोनेशिया भी आ जाएगा, टर्की भी आ जाएगा, राइट? तो अगर आप देखते जाएंगे तो आइंदा, आपको पता है आइंदा 10-15 साल में, आप तो इंडिया की बात करें ना, इंडिया विल बी द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी और एटलीस्ट डेफिनेटली इन द टॉप 3, तो ये तो तय है. वो तो मतलब आई थिंक यू एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी 2028 तक. तो अभी 2-4 साल में वो जर्मनी से आगे हो जाएगा और जापान. सो वो 4 ट्रिलियन के हैं वो, मतलब मैं कह रहा हूँ 1 ही ट्रिलियन का फासला है, इट कैन बी वेरी क्विकली कॉट अप एट द रेट इंडिया इज ग्रोइंग. बट पीपल आर नॉट नोटिसिंग इंडोनेशिया. इंडोनेशिया भी तो तेजी से बढ़ रहा है कि जब तो ये नौबत आएंगी कि US, चाइना, इंडिया
जापान, इंडोनेशिया, तो टॉप 5 में 4 एशियन कंट्रीज हो जाएंगे, फिर साउथ कोरिया भी ऊपर अगर आ गया तो 6 हो जाएंगे, समझे ना, टॉप मतलब टॉप 6 में 5 एशियन कंट्रीज हो जाएंगे। तो पाकिस्तान शुड रियलाइज कि द फ्यूचर इज इधर, उधर नहीं, वेस्ट में नहीं है, मगरिब में नहीं, मशरक में है, और उसके लिए इट हैज टू गो बाय इंडिया। मतलब वो श्रीलंका से ताल्लुकात बेहतर करें, यू विल नीड हम्बन टोटा, सो समहाउ मतलब इट हैज टू बी कनेक्टेड। आपके पास लैंड रूट भी है थ्रू चाइना, यस यू हैव दैट पोटेंशियल तो है ना, हाईवे तो है कोरा ले वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सी तो बहुत आसान है और हमारे पास नेवी को। भी है, मतलब ठीक है। या बल्कि हमारी जो मैं देख रहा था रिसेंटली, मैंने एक फ्रेंच इंडो पैसिफिक पे एक पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर, और उस पे हमारी मैं 450 मिलियन डॉलर की वो है फिशिंग इंडस्ट्री है, ये 2 बिलियन 3 बिलियन की हो सकती है, मतलब बड़ी काम कर रहे हैं चीज़ें। हमने 2020 ब्लू इकोनॉमी का ईयर मनाया था, पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं था ये ब्लू इकोनॉमी का ईयर है। एक दिन वो तो मिनिस्टर फॉर मैरिटाइम अफेयर्स ने टीवी पे आके कहा कि इस साल हम ब्लू इकोनॉमी का, मैंने कहा ये चीज़ें तो शोर डालने वाली होती हैं भाई, शोर मचाओ, पूरी दुनिया को बताओ, दैट दैट कैरीज अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम यह है कि हमारे मिनिस्टर इतने ज़्यादा पोलिटिसाइज हैं कि वो पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं और अपने मिनिस्ट्री के काम काम करते हैं, सो इसीलिए शायद कहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स हैं डॉक्टर जयशंकर की तरह। दैट इज वेयर यू नीड द ब्यूरोक्रेट्स, दैट इज वेयर द ब्यूरोक्रेट्स का काम आ जाता है कि दे कीप द प्राइम मिनिस्टर द मिनिस्टर फोकस्ड ऑन द इश्यू ना। और लीडरशिप तो वैक्यूम है, मतलब कमर साहब वेदर यू लाइक इट और नॉट, ऑन द टॉप ऊपर तो सारा का सारा खाली लगता है मुझे तो। यू हैव अ वेरी आई एब्सोल्युटली डोंट राइट, नो, मतलब पीपल से के ओके द अल्टरनेटिव इज नवाज शरीफ, आई एम नॉट रियली वेरी इंप्रेस विद नवाज शरीफ ऑल्सो ऐसा कोई डायनामिक लीडर आपका नजर नहीं आ रहा ना, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह हो गया, 70 साल के बूढ़ों के नीचे हमारे पास भी यहाँ पे अभी कोई टैलेंट ही नहीं। सो दैट्स व्हाई बाइडन इज गोइंग टू रन। बूढ़े हर जगह ही है, लेकिन थोड़ा डायनामिक होने की जरूरत है, इनमें भी बूढ़ी है। हमारे पास बिलावल है, लेकिन बिलावल का ये है कि अमेरिका आते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, सिंध जाते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं, तो नहीं, ये बट आप तो आजकल डीसी में हैं, आई कैन गारंटी यू आपको आराम से 10,000 हाईली कॉम्पिटेंट बंदे मिल जाएंगे, राइट। वर्ल्ड बैंक भी वही है, स्टेट डिपार्टमेंट भी वही है, IMF, आपको हर चीज वही। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेन स्टॉप है वो फॉगी बॉटम है। फॉगी बॉटम, अगर आपको व्हाइट हाउस जाना है, स्टेट डिपार्टमेंट को जाना है, वर्ल्ड बैंक को जाना है, IMF को जाना है, आप फॉगी बॉटम पे उतरेंगे, तो द कोर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज देयर, सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स वहाँ हैं। अब तो अब वर्ल्ड बैंक में भी इंडियन अमेरिकन होंगे वहाँ पर, अब अजय बंगा, और आपको हाँ पता है अभी थोड़े दिन तक द चीफ इकोनॉमिस्ट IMF की भी इंडियन ही थी एक खातून प्रोफेसर, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, शी वॉज प्रिंसटन से हार्वर्ड थी। हाँ की प्रोफेसर थी शी, अच्छा, था हार्वर्ड की थी। हाँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कॉम्पिटेंस की बहुत जरूरत है, यस कॉम्पिटेंस, इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ हैविंग कॉम्पिटेंस बट टू ऑल्सो वैल्यू कॉम्पिटेंस। आपके कल्चर में ये होना चाहिए कि अरे यार बंदा काम का है, उसकी इज्जत करो और उसको पोजीशन में डालो। आपको पता है कुरान में भी एक आयत है कि जस्टिस वही चीज होती है कि अप्रोप्रिएट बंदे के हाथ में चाबी दें। मौदूदी ने बहुत लिखा था इस पर, बट ही वेंट टू शरिया इम्प्लीमेंटेशन वेयर ही डिड फोकस दैट इट इज अन इस्लामिक टू गिव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पर्सन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट जॉब। तो सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब। आपको याद होगा इमरान खान ने वो प्रिंसटन के आतिफ मियां को लगाया, उसने कहा मैं इसको लेके जा रहा हूँ, वो पाकिस्तान में शोर डाल दिया, वो तो अहमदी है। तो आप वो जो बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंस की, जो कुरान कहता है, तो असल वो जो अपनी चाबी उसको दो ना, जो जो इल्म रखता है वो अहल है, वो ईसाई हो, हिंदू हो, अहमदी हो, वो कुछ भी हो यार, मतलब आज अमेरिका में दुनिया में लीडरशिप रोल है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंस है ना, दैट्स नॉट बिकॉज नहीं है। तो IMF में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थोड़ी है जिनके हाथ में आपकी सारी पॉलिसी है, अगर वो उसको लेकर आते, क्या नाम था उनका, अजीज मियां कुछ, आतिफ मियां, आतिफ मियां, हाँ, तो उनके आई मीन दे कुड हैव, मैंने उनका एक दो शोज देखे, ही इज वेरी
वेरी नॉलेजेबल अबाउट द पाकिस्तानी इकोनॉमी, लेकिन जरा डर डर के बोल रहे थे वो मुझे। नहीं वो डॉक्टर साहब पाकिस्तान में हर जगह ही होता है, लेकिन आइडेंटिटी, रिलीजियस एफिलेशन, ये बड़े फैक्टर हैं, और उनको बड़ा पॉलिटिसाइज कर दिया गया। इमरान खान ने उनको अपॉइंट किया, शोर मच गया। तो वो आप वाली बात जो आपने बात सही की है कि टैलेंट को वैल्यू करो, वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उस चीज़ की वैल्यू है, ना कि आपकी जो एफिलेशंस हैं। एनी हाउ, ये एक आज इस तरह के मास्टर कार्ड के फॉर्मर सीईओ को वर्ल्ड बैंक लगा दिया उन्होंने, प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज अर्ली मॉर्निंग उनकी प्रेस ब्रीफ व्हाइट हाउस की आई थी। तो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेयर। मुझे तो आपके साथ बात करते करते ऐसे लग जाता है मैं आपका स्टूडेंट ही हूँ, और जो है ना अरे साथ जो है ना हो रही लर्निंग हो रही है। तो दैट्स हाउ दिस पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान दे वॉच यू एंड लाइक यू फॉर ऑल योर कमेंट्री एंड योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।